వాటర్ లెవెల్ టెస్టింగ్ చేసుకోండి అండ్ బీ అవే ఫ్రమ్ హైజీన్. అస్సలాము అలైకుం ఖాజీ సాహెబ్. खैरियत से जी जी अलहम्दुलिल्लाह। हज़्ब रिवायत साबिक इस वक्त जो है हमारे साथ खाजी साहब जुड़ चुके हैं, आ गए हैं, हम आपके साथ हैं और आपके बहाने हम सबको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप ब्लड डोनेशन देने के लिए मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप आ गए हैं। कितने बरस से आप यहाँ पर दे रहे हैं? 11 साल 11 बरस से माशाल्लाह। तो देखिए आप किस तरीके से पहले वहाँ पर पर्ची बनाई जाती है, अब उस पर्ची के साथ जो खून की समझिए प्लास्टिक की जो थैली होती है वो हाथ में थमा दी जाती है, वो ले लेके खाजी साहब इस वक्त यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ के पास पहुँचे हैं और फिर यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से अब यहाँ कतार में पूरे आप एक के बाद एक देख सकते हैं कि मुख्तलिफ असहाब आ रहे हैं और अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं शाकिर साहब किस तरीके से यहाँ पर अपना ब्लड देने के लिए इस वक्त हम आसिफिया सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज पर हैं। मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप 12वां मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और इसी में अपने खून का अतिया देने के लिए खाजी शाकिर अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही कोई यहाँ पर डोनर आगे आता है अपनी इब्तदाई जांच करवाने के बाद तो ये वही मंजर है यहाँ पर, वो उसके साथ जो उसको एक खून को जमा करने वाली जो प्लास्टिक की थैली है वो दी जाती है। तो ये देख लीजिए ये पड़ोस में ये साहब यहाँ पर आए हैं और हाथ में एक गेंद भी दी गई है जिसको दबाने को कहा जाता है। जैसे जैसे वो उसको दबाते हैं तो जो प्रेशर है वो बढ़ता है और ये भी तरीक़ा है जश्न मनाने का। यहाँ पर लोग आ रहे हैं कतार में और अपना जो जश्न है वो खून देकर मना रहे हैं। ये देख लीजिए पूरा किस तरीके से एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जाती हैं। सुई लगाने से पहले हाथों को सैनिटाइज़ किया जाता है, बाज़ाब्ता तौर पर दस्ताने पहन कर उसके बाद आ रहा है।
देखिए खाजी साहब ने अपने खून का अतिया दे दिया और फिर ये जो टेक्निकल स्टाफ है वो उनके हाथ में जो सुई लगाए थे खून जमा करने के लिए, खून के डोनेशन के लिए, वो उसको निकाल रहे हैं, अलग कर रहे हैं और फिर उसको हाथ को मोह दिया जाता है ताकि खून का बहाव हो। फौरी तौर पर जाइए, दोनों पांव ऊपर करने को कहा गया है ताकि जो जिस्म का जो दौरान खून है वो मामूल पर आ जाए। अब ये जो खून यहाँ पर जमा हो गया है इसको फिर बाज़ाब्ता तौर पर उसकी पैकेजिंग करके उसको लैब भेजा जाता है जहाँ पर वो फिर वहाँ से ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए उसको तकसीम किया जाता है या ज़रूरतमंद मरीज़ों को वो चढ़ाया जाता है। अभी कुछ देर के लिए समझिए कि जो डोनर है उसको लेटने को कहा जाएगा, तो खाजी शाकिर साहब भी अभी फिलवक्त लेटे हुए हैं। फिर थोड़ी देर में जब वो बैठेंगे तो उस वक्त हम बात करेंगे शाकिर साहब से। देखिए पड़ोस में दूसरे बेड पर एक साहब हैं, उनका भी बिल्कुल खून वो डोनेट कर रहे हैं और फिर बस कुछ ही देर में जब बैठने को कहा जाएगा, अपने मामूल पर लौटने को कहा जाएगा तो फिर हम जब शाकिर साहब से बात करेंगे। देख लीजिए किस तरीके से लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट किए हैं, कर रहे हैं और करने के बाद कुछ देर कुछ मिनट के लिए वो बिल्कुल वैसे ही लेटे रहते हैं अपने पांव ऊपर किए और फिर उसके बाद जब उन्हें इजाज़त दी जाती है, जो यहाँ पर तकनीकी माहरीन हैं वो इन्हें इजाज़त देते हैं, तो फिर वो उठकर अपने मामूल की तरफ, जो अपनी मामूल की सरगर्मियाँ हैं वो देखिए। ये बैंडेड लगा दी जा रही है, ये हो गया है डोनेशन का काम खाजी साहब का। जब कुर्सी पर बैठेंगे खाजी साहब तो उस वक्त हम खाजी साहब से बात करेंगे कि उर्दू में थैलेसीमिया के हवाले से जो मटेरियल दिया गया है वो मटेरियल भी आप वो पहले पी लीजिए उसके बाद बात करेंगे। जो आमतौर पे जो ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ लिक्विड या जूस की तरह का होता है, तो ये आपका मुसलसल 12वीं मरतबा है कि आपने जो अपना खून का अतिया दिया, तो क्यों देते हैं आप खून का अतिया? और ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम आए, थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए, जिसको भी ज़रूरत पड़ती है वो सब हजरात के लिए जो है ना काम आ सके, हम इंसानी खिदमत के लिए काम करें। तो नहीं, लोग तो मीलादुन्नबी का जश्न भी मनाते हैं तो खीर पूरी खा लिए दावत के लिए या दावत
शरीक हो गए तो फिर ये दिया देने से किसी इंसान को इंसान के काम आता है, इसी वजह से खून दिया जाता है। दूसरों के मुझसे क्या कहेंगे आप कि उनको अगर ये अच्छा काम है तो क्यों करना अच्छा चाहिए? अच्छा काम है, इंसानी हमदर्दी का काम है। लोग जो है ना एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं, इंसान इंसान के काम आने से इंसान होता है। ये नहीं कि जो है ना खीर पूरी खा लिए या खाना खा लिए, वो अपनी जगह है। खून देना एक इंसानी हमदर्दी है। तो आप चाहेंगे कि और भी नौजवान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आकर जो है ना इससे इस्तेफादा हासिल करें, लोगों को काम आए। बेहद शुक्रिया खादी साहब, मुसलसल ये हमारे कैंप में शरीक होने वाले हैं खादी साहब, खादी शाकिर साहब। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये चेहरा भी हम इस कैंप में पिछले समझिए यूँ समझ लीजिए 12 बरस से देखते आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे आप अपना तारुफ दें और फिर इस कैंप के मुतालिक आपकी अपील भी सोशल मीडिया पे शेयर हुई थी, तो हम आपसे बात करना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको कैंप में लोग आ रहे हैं और देखने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? जी तो हम लोग 12 साल से जैसे कि बोले अभी साहब के ऑर्गेनाइज हो रहा है ब्लड कैंप, और मेरी तो उम्र उस टाइम पे बहुत छोटी थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम होश संभाले तो हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही, जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ रही और बढ़ना चाहिए, अभी और बढ़ना चाहिए, लोग आ रहे हैं। हालाँकि हम देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स अच्छे हैं, मगर जितने एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हम पैसों से नहीं खरीद सकते। ये खून है, मैं खुद एक थैलेसीमिया पेशेंट हूँ और मुझे हर 15 से 20 दिन में खून की ज़रूरत पड़ती है, अराउंड 2 यूनिट्स में को एवरी 15 डेज टू 20 डेज में ज़रूरत पड़ती है मेरे जैसे। और 3,000 पेशेंट्स है हम लोग की सोसाइटी में रजिस्टर्ड जिसको थैलेसीमिया है और उनको रेगुलर बेसिस पे खून की ज़रूरत पड़ती है, उसमें 6 महीने से लेकर 30-40 साल की उम्र तक के लोग हैं, मेरी उम्र के भी है, मेरे से ज़्यादा उम्र के भी लोग हैं, तो वो सबको रेगुलर बेसिस पे खून की ज़रूरत पड़ती है, ना ही मैं बल्कि ऐसे 3,000 लोग हैं। अगर हम सिर्फ मेरा ही एक मोटा हिसाब पकड़ेंगे तो मेरे अब तक 350 ट्रांसफ्यूजन्स हो चुके हैं, 350 प्लस, एंड अप्रॉक्सीमेटली 500 यूनिट से ज़्यादा जो है सो ब्लड मेरे को चढ़ चुका है। वो इसी की वजह से हुआ कि 500 से ज़्यादा लोग ने ब्लड डोनेट किया, तो उसके कारण मैं भी सेहतमंद हूँ, तंदुरुस्त हूँ और अल्लाह का करम है। तो बिल्कुल बेशक अल्लाह ही जो है सो ज़िंदगी देने वाला है, अल्लाह ही हमारा सब कुछ करने वाला है, लेकिन हम एक ज़रिया बन सकते। तो बस मैं यही अपील करूँगा कि आप लोग सब आइए, देखिए हम लोग अफजलगंज स्टेट लाइब्रेरी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज पे है, सुबह 7 बजे से ये मुहिम स्टार्ट हो गई है और कई सारे लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग भी आगे आइए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। जी बेहद शुक्रिया, ये थे हमारे एक ऐसे समझे इस्तीफादा कुनिंदगान जिन्होंने खुद अपील की है। यहाँ पर अब हम इस कैंप में मौजूद हैं, हम यहाँ पर हमारे एक वॉलंटियर हैं, इनसे बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल उस्ताद मोहतरम या वो शख्सियत जिन्होंने आज से 12 बरस पहले इस ब्लड डोनेशन के कैंप के हवाले से बात की थी, मेरी मुराद कोई और नहीं जिनको आप इस वक्त अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं मुल साहब, मौलाना मुफ्ती कासिम तस्खीर सिद्दीकी साहब। बाब 12 बरस पहले का वो वक्त था जब मसाजिद में महलों में इस शऊर बेदारी के लिए मुहिम जो चलाए थे मौलवी साहब, खुशकिस्मती से इस वक्त वो शहर हैदराबाद में हैं। और देखिए अमली तौर पर इस कैंप में खून का अतिया देने के लिए भी मौजूद हैं, जलसे से तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वो वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि किस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन होता था, मुख्तलिफ मसाजिद और महल्ले की कमेटियों के साथ प्रोग्राम होता था। तो अमली तौर पर जो काम जो सिलसिला शुरू किया था उसी की कड़ी है कि आज ये देखिए सब यहाँ पर ठहरे हैं। जब मुल साहब तशरीफ़ लाए हैं तो अलीम बेग साहब और सब लोग यहाँ पर ठहरे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो तकलीद में या उस्ताद मोहतरम की ताज़ीम में बात सुनते हुए आए हैं। तो आपके इस उस पर मैं चाहूँगा 2 मिनट बात कर लूँ आप। सब 2 मिनट अगर आप बात कर दें तो उसके बाद फिर हम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ये मेरी खुश नसीबी है कि आज मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप में हाजिर होने का मौका मिला। जैसा कि अभी
अली जना मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब इसका जिक्र कर रहे थे कि आज से 12 साल पहले हम सब मिलकर एक टीम थी हमारी, हम सब मिलकर मौलाना अहसन बिन मोहम्मद अलहमूमी, मौलाना मोहसिन बिन मोहम्मद अलहमूमी, मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब और दूसरे हजरात थे जो हमारा हिस्सा थे, हम सब मिलकर जो है एक प्लान तैयार करें, एक मुहिम शुरू करें। अल्लाह ताला ने उसमें बरकत दी और काफ़ी बरकतें इसके अंदर हुई और एक काम जो है आम मिल्लत की वखार के लिए एक काम जो है शुरू किया गया था और मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पेश नज़र थी। उनमें से एक बात, मीलाद को 12 रबी अव्वल का दिन जो मुंतखब करें, हम उसमें ये मकसद था कि लोग जो है जुलूस में जा रहे हैं, गाड़ियों पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बेवखारी के काम कर रहे हैं और ये एक तकलीफ देह चीज़ है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के मौके पर मुसलमानों का बेवखारी का अमल करना किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं हो सकता। तो हमारे जहन में ये था कि ये थोड़ा सा इनको कन्वर्ट करें और डाइवर्ट करें और इनको डाइवर्ट करने के लिए हमने 12 रबीउल अव्वल का दिन मुंतखब किया। ये काम तो किसी दिन भी किया जा सकता था लेकिन आज और ख़ास तौर पर कल मैं जड़चल्ले से वापस आ रहा था तो रात के 1:30 बजे जो मुसलमानों की सूरत हाल सड़कों पर मैं देखा हूँ, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह माफ़ करे इनकी बेअमली से, इनकी बेवखारी से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का जो मकाम व मर्तबा है, मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श से ज़्यादा नाजुक है, इस मकाम में सांस लेना बेअदबी है। उस नबी मुकर्रम की मीलाद के मौके पर जिस तरह की बेवखारी की हरकतें हैदराबाद का नौजवान कर रहा है, ये अफसोस है, सद अफसोस है, ये मौत इससे बेहतर है इन लोगों की जो हरकतें हैं। और मैं जानता हूँ 12 साल पहले, 15 साल पहले ये जो जुलूस का आगाज़ हुआ और जिस तरीके से जिन नाम निहाद मजहबी रहनुमाओं ने इसको प्रमोट किया है, याद रखें वो लोग इनकी खबरों में कीड़े पड़ेंगे। इस्लाम एक बावकार मज़हब है, इस्लाम एक आली मज़हब है, इस मज़हब में बेवकारी की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। और नौजवान आज जो हरकत कर रहे हैं, वो लोग जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार हैं और इससे वो किसी भी सूरत में बरी उज़िम्मा नहीं हो सकते। अल्लाह ताला हमें इनसे माफ़ करें, हम इनसे बरी हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, आपका तकद्दुस, आपका मकाम बहुत बुलंद है, ये अदब का मकाम है, अदना सी बेअदबी, अदना सी बेवकारी ईमान जाने की बात है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और मैं आप तमाम हजरात से, नौजवानों से, उलमा से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि ये दो टोक अंदाज में बयान करें, दो टोक अंदाज में ये जो बेवकारी नौजवान कर रहे हैं इसके बारे में उठ खड़े हों, एक मुहिम शुरू करें, ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं हो सकती। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारक व सल्लम अजमईन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मौलाना मुफ्ती कासिम तस्खीर सिद्दीकी साहब थे जिनकी तहरीक पर, जिनकी समझिए आप रहनुमाई पर ये काफ़िला जो 12 बरस पहले शुरू हुआ था वो आज भी अपनी जगह। मौलाना मोहतरम ने जिस तरीके से तकलीफ़ का इजहार किया है, जो सूरत हाल आज हम शहर हैदराबाद में देख रहे हैं, जिस तरीके से नौजवान जश्न के नाम पर जो बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, वो हम सब के लिए लम्हे फ़िक्र है। तो ये हमारे ऐसे रहनुमा, ऐसे समझिए कि आप मौलाना मोहतरम हैं जो सिर्फ तकरीर नहीं कर रहे हैं बल्कि अमली तौर पर भी वो यहाँ पर मौजूद हैं, खुद अपने खून का अतिया दे रहे हैं। और साथ ही यही वो तरगीब है, यही वो मिसाल है जो वो नौजवानों को दे रहे हैं कि मैं न सिर्फ अपनी ज़बान से तरगीब दिला रहा हूँ बल्कि खुद भी अपने खून का अतिया दे रहा हूँ। मौलाना मुफ्ती कासिम तस्खीर सिद्दीकी साहब, ये हमारे अबू अमल साहब भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। देखिए मौलाना अगरचे अमेरिका से तशरीफ़ लाए, बतौर मेहमान यहाँ पर आ सकते थे
मिल लिए, मायना कर लिए, और जो लोग यहाँ पर कारकुन हैं उनके साथ काम करके कुछ तस्वीर कशी करके भी वो रुख्सत ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि अमली तौर पर वो ख़ुद मौजूद हैं और अपने खून का अतिया दे रहे हैं। दो मिनट के लिए हम चाहेंगे यहाँ पर मौलाना यहाँ पर अपने खून का अतिया दे रहे हैं। तो जनाब अबू अमल साहब, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा पेश हैं इस हवाले से, सबको वो अपने समझिए कि मीडिया के ज़रिए से पेश करते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ हैं। और हम चाहेंगे दो मिनट आप जनाब से भी बात करें। जनाब अबू अमल साहब, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट लाइब्रेरी में 12 साल से बड़ी कामयाबी के साथ चलता है। ये बात हकीकत ये है कि मुफ्ती कासिम तस्करी साहब, एहसन बिलाल साहब, मुस्तफ़ा